बहुजन समाज पार्टी फिर अब सुर्खियों में आ चुकी है। जिस तरीके से बहन मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी शक्तियां छीन ली थी, लेकिन अब उनको कोऑर्डिनेटर भी बना दी हैं और चुनाव स्टार प्रचारक के रूप में अब जाने जाएंगे। जिस तरीके से विभिन्न प्रदेशों में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियां भी बसपा कर रही है, बनारस के लोग हैं और थोड़ा सा बात करेंगे बसपा को कितना मजबूत कर पाएंगे आकाश आनंद। आकाश आनंद को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, मजबूत कितना कर पाएंगे बसपा को? देखिए, आकाश आनंद युवा है और युवा लोग कहीं ना कहीं से मजबूत करेंगे बसपा को। अब सारी पार्टियां मजबूत होनी चाहिए, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जब मजबूत रहेंगे तो बड़ी अच्छी जो है समाज में संदेश जाएगा और सब लोग की बात सुनी जाएगी। और रह गया आकाश आनंद, अभी तो युवा है, किसी कारण से हटा होगा या हटाया गया होगा, आ गया तो निश्चित है कि कुछ न कुछ उसके अंदर प्रतिभा है और अपना प्रतिभा से कुछ न कुछ समाज का और पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जातियों का भला करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद बहुत जो अभी परिपक्व नहीं थे, जिसके वजह से उनको हटा दिया गया, मायावती ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने बोला था। देखिए, बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं, हमारे मोदी जी को बहुत लोग कुछ बोले थे, तो बोलने के लिए यहाँ स्वतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोले। और वही में आनंद भी भटक गया था, कुछ बोल दिया था, नहीं बोलना चाहिए इस तरह की वाणियाँ पर। अपना जरा नेताओं को कंट्रोल करना चाहिए, जब आप बोलोगे तो जनता और बोलेगी, ये सब से बचना चाहिए। और ये सीख रहा है, युवा है, कि मजबूती देगा और भला करेगा और आने वाले समय में एक अच्छा राष्ट्र को नेता प्रदान होगा। बिल्कुल। या क्या मानते हैं, जिस तरीके से बसपा चुनाव प्रचार को लेकर एकदम सरगर्मी बढ़ा दी है और उपचुनाव को लेकर तैयारी में है, आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर भी बना दिया? हमारा मानना है कि आकाश आनंद बसपा के लिए फायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि आकाश आनंद जब से आए हैं बसपा का खाता भी नहीं खुला है और जनता को भी समझ में आ गया है। जनता भी जो ओबीसी और दलित मुस्लिम एक किसी एक तरफ अपने आप को मान लिए कि हम जब भी अब हमको वोट देना होगा या समर्थन देना होगा तो हम इसी दल को देंगे, और अब आकाश आनंद आवे चाहे कोई भी आवे, ये अपने वोट जो इनका दलित वोट था उन्हीं को नहीं बचा पाएंगे। सभी को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है मायावती और आकाश आनंद। लेकिन ऐसा आपको क्यों लगता है कि बी टीम है? अगर बी टीम होती तो विभिन्न जगहों से जो चुनाव मैदान उतारती चुनाव नहीं लड़ाई होती। हमारे बगल वाराणसी के बगल में जौनपुर है, उनका मजबूत प्रत्याशी था, मजबूत प्रत्याशी धनंजय सिंह थे और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही एकाएक उनका टिकट बदल कर वहाँ से ऐसे पार्टी जिसके साथ आज दलित भी जुड़े हैं, ओबीसी भी जुड़े हैं, मुस्लिम भी जुड़े हैं, पूरी तरह से दिल और शरीर से भी जुड़े हैं, तन से, मन से, धन से जुड़े हैं, तो लगता है कि ये भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। इनके पहले कुछ बचना उचना नहीं है, चाहे आकाश आनंद आवे चाहे कोई। आकाश आनंद भाई साहब क्या मानते हैं, जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी आकाश आनंद जी को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। मायावती जी ने उनको खुद कोऑर्डिनेटर बनाई है अपना, भाई समाज में देश में जम के मेहनत करें, अच्छे तरीके से मेहनत करें, उनका भविष्य उज्जवल हो, यही हम शुभकामनाएं उनको देते हैं कि आगे बढ़ें। लेकिन बसपा को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खुला, क्या लगता है उपचुनाव में खाता खुला? बसपा का लोकसभा में खाता खुला नहीं है जरूर, लेकिन उनका ऐसा नहीं कि वोट नहीं है। समीकरण अगर कहीं त्रिकोणी चौकोणी मुकाबला होगा तो ऐसी बात नहीं है कि उपचुनाव में उनका सीट नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन लड़ाई अगर प्रत्याशी बढ़िया देंगी, लड़ाई बढ़िया लड़ेंगी और आकाश आनंद जी बढ़िया से मेहनत करेंगे, क्योंकि चुनाव के ही पीरियड में आकाश आनंद को मायावती जी ने हटा दिया, इस वजह से थोड़ा सा मायावती जी डाउन पड़ी और कहीं प्रचार प्रसार करने नहीं गई थी।
बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा बताइए आकाश आनंद जिस तरीके से कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं बसपा के। ये वही आकाश आनंद है ना जो मोदी जी को भाजपा पे वार किए थे अभी कुछ दिन पहले कोई शब्द बोल के। हमको नहीं लग रहा है कि चल पाएंगे, क्योंकि जैसे मायावती खत्म हो गई है वैसे ही तो खत्म का इनका नाम है उभरेगा नहीं, काम है इनका खत्म है। झुट्टे मायावती जी पता नहीं कहाँ इनको पाओ के लिए आई है, कोई मतलब नहीं है इनका। तो देखिए आकाश आनंद को लेकर बनारस के लोग अपनी बातें बताए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तुम्हारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।